वेलकम दोस्तों, मैं हूं हरित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हरित। तो आज हम बनाने वाले हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, चीज बर्स्ट चिकन ब्रेड पिज्जा। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्रेड पिज्जा और वो भी चीज बर्स्ट। अगर आप वेज हो तो आप इसमें चिकन की जगह पनीर या मशरूम भी डाल सकते हैं। पहले मैंने लिए 8 व्हाइट ब्रेड, 8 ब्रेड, 5 to 6 चिकन सॉसेज के पीस, चीज ब्रेड, प्रोसेस चीज, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, रेड चिली, फ्लेक्स एंड ओरिगैनो। आप चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं अगर आपको रेसिपी सच में बनानी है। सबसे पहला स्टेप, 5-6 सॉसेजेस लेके उसको एयर फ्रायर में गरम करना। तो मैंने एयर फ्रायर को पहले से ही प्रीहीट करके रखा है 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो अभी इसके अंदर सॉसेजेस को डाल देते हैं। तो ये हमने डाल दिए इधर सॉसेजेस और हम इसको पकाने वाले हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर और 7 मिनट्स तक। स्टेप 2, इसमें आपको 4 ब्रेड लेनी है, 1, 2, 3, 4। इस 4 ब्रेड के आपको एजेस काटने हैं। तो हमने ये ब्रेड्स को भी काट दिया है। अब इसके बाद हमें इन चारों ब्रेड को जॉइन करना है उनके बॉर्डर से। तो उसके लिए हमें 4 फोक लेके इसे इधर से पूरा पंच करना है। फिर इसको सबसे पहले इसे ऐसे हल्का सा ओवरलैप करना है, इसे देखिए इसको ऐसा हल्का सा किया, फिर इसके ऊपर इसको हल्का सा किया, इधर से दबा के ओवरलैप करके। तो अभी मैं कर देता हूँ। तो आप देखिए मैंने इसको अभी अच्छे से चिपका दिया। तो अभी ये जो होल है, इस होल को तो हमने कवर करने पर जो आपने जो हल्का सा काट दिया आप उसको हाथ में करके खाने वाले तरीके से इसको आप उधर एकदम से चिपका भी सकते हैं।
उसके बाद आपको ब्रेड्स को, जितने भी आपके ब्रेड हैं, आप उसको गैस में, तेज गैस पे हल्का सा रोस्ट कर लीजिए ताकि वो हल्का सा गर्म हो जाए और वो थोड़ा क्रंची उसकी फील हो। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। तो अभी मैं इस ब्रेड को हल्का सा पलट देता हूँ, पलट दिया, तो ज़्यादा नहीं पकाना है, एकदम दो मिनट के बाद। आपको नहीं पता जब तक इसका पूरा ब्रेड का जो पूरा मॉइस्चर है वो पूरा नहीं जाए, और ब्रेड जो ठंडे की सॉफ्ट मिठाई जो ये हल्का हल्का येलो ब्राउन होने लगे, तब बस तो दोनों तरफ ये थोड़ा थोड़ा ये ब्रेड गर्म करना है, बस गैस को बंद कर आप बिल्कुल वैसे ही अपने क्रस्ट को भी रोस्ट करेंगे तेज गैस में थोड़ा सा हल्का सा, जब तक ये येलोइश ब्राउन हल्का सा नहीं होगा, इसको ज़्यादा नहीं करना। अगर ज़्यादा करोगे तो आपको जब आप पकाओगे इसको असली में तभी आप उसको उसका असली टेस्ट नहीं आएगा। इसको जब तब तक करना जब तक आपके ब्रेड का पूरा मॉइस्चर नहीं। हम इसको और ये क्रस्ट का पीछे वाला पार्ट है तो मैंने इसको इसलिए हल्का सा ज़्यादा रोस्ट किया। हम गैस तेज कर देंगे और इसको पकने देंगे हल्का सा। देखिए अभी हमारा बनके तैयार हो चुका है, ये देखिए बस इतना ही रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अभी ये जो आपका क्रस्ट है अभी आप इसके ऊपर चीज स्प्रेड लगाएंगे, देखिए एक स्पून काफी रहेगा, देखिए एक इतना स्पून, और इसको गिरा देना है। एक और स्पून ले लिए, बहुत कम हो गया, ध्यान रखिए ज्यादा नहीं डालना है। अगर आप ज्यादा डालेंगे तो ये जब भी पक के आएगा तभी इसके इतना मेल्टेड होगा कि जब भी आप इसको खाओगे तो आपका मुंह जल जाएगा। अभी हमें इसे स्प्रेड कर देना है। आपको इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड ऐसे स्प्रेड करनी है। देखिए मैंने सिर्फ इसमें 3 चम्मच ही चीज़ स्प्रेड का डाला है। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर अपना ऊपर की लेयर डाल दीजिए जिसके ऊपर आपका चीज़ वगैरह सब आएगा। अगर आपने इसमें देखा होगा इसके पहले तो जो मेन चीज़ है वो मैंने मिडल में किया है ताकि अगर मैं साइड में करता तो जब ये गर्म होता तभी वो चीज़ मेल्ट होके इधर से बाहर आ जाता। तो अभी ऐसा हो गया, और अभी भी अगर वैसा नहीं करने के लिए आपको पानी लेना है और इसके एजेस में हल्का हल्का लगा के इसको चिपकाना है। देखिए ऐसे इसको दबाना है ताकि वो जो चीज़ है आपका अंदर वो लीक आउट ना होए।
अभी हम इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड, एक चम्मच चीज़ स्प्रेड और एक चम्मच अराबिटा सॉस डालेंगे। तो चलिए अब इसको डाल देते हैं एक चम्मच। और अभी आपको इसको स्प्रेड करना है इन दोनों को। हम इसके अंदर चीज़ इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमें ऊपर भी वो सही वाला इफेक्ट मिले। यह हमने चीज़ को स्प्रेड कर दिया है और पिज़्ज़ा सॉस को भी स्प्रेड कर दिया है। ये आपका हो गया स्प्रेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आपको इसके अंदर चिकन डालना है। तो चिकन अभी तक मेरा बन गया होगा। ये मेरा चिकन बन चुका है, ये देखिए। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, ये देखिए। इसका बस ब्राउन होने तक इसका वेट करना है, इसको जलाना नहीं, इसको ब्लैक नहीं होने देना है। उसके बाद हम इस चिकन को निकाल के इसके पीसेस करेंगे। हम हर एक सॉसेज को 5 पीसेस में काटेंगे। मैंने अभी इस सॉसेजेस को प्लेट में निकाल के रखा है, तो अभी हमें इसे छोटे छोटे पीसेस में काटना है। मैंने अभी इसे छोटे छोटे पीसेस में काट दिए। अभी इसके बाद हमें ये पीसेस को पिज्ज़ा के ऊपर डालना है, स्प्रेड करके डालना है हमें, जहाँ तक क्लोजली नहीं रखना है ताकि इसका फ्लेवर हमें अच्छे से मिल सके। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसके अंदर चिकन डाल सकते हैं। मैंने इधर अभी अच्छा खासा चिकन डाल दिया है। चलिए अभी इसके ऊपर चीज को हम ग्रेट करेंगे। हमारे पास है अभी चीज, अभी हम इसको ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। आपको जितना चाहिए आप उतना ही ग्रेट करिए। तो मैंने यहाँ पे इनफ क्वांटिटी में चीज ग्रेट कर दिया है। अभी आप इसको चाहे तो अपने हाथों से हल्का सा फैला भी सकते हैं। तो ये रेडी हो गया हमारा पिज्जा। अभी बस इसको हमें कुकिंग के लिए डालना है। तो कुकिंग के लिए हमें ऐसा सेटअप चाहिए रहेगा। एक कढ़ाई, फिर एक प्लेट, इतनी बड़ी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, जिसके अंदर आपका पिज़्ज़ा पूरा अच्छे से आ जाए। तो आपको इस प्लेट के ऊपर हल्का सा ऑलिव ऑयल डालना है। ये हमने डाल दिया इसके अंदर ऑलिव ऑयल, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा। और फिर इसको प्लेट में फैला देना है ताकि आपका जो ब्रेड पिज़्ज़ा है वो इसके ऊपर चिपके ना। देखिए इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हमने कर दिया इवनली डिस्ट्रीब्यूट। अभी इसके ऊपर आपको अपना पिज़्ज़ा रखना है। तो ये हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा, इसको एकदम ध्यान से रखना है। ये मैंने रख दिया इसके ऊपर अपना ब्रेड पिज़्ज़ा। अभी इसके बाद जो आपकी कढ़ाई है उसमें आपको सॉल्ट डालना है। जितना ये आपको मार्केट में आसानी से सॉल्ट मिल जाएगा, जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता सॉल्ट डालना है आपको। ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना ही डालना है। बस थोड़ा और डाल दीजिए। अभी इसके ऊपर आपको हमारी प्लेट रखनी है। हम उस प्लेट को इसके ऊपर रखेंगे। तो ये हमने वो कटोरी ले ली, पानी से भरी हुई कटोरी। इसको थोड़ा सा इसके अंदर डिप करके इसको हल्का सा डीप इसके अंदर घुसाना है। ये इसका सपोर्ट होगा।
तो ये प्रॉपर आपका डोमिनो जैसा पिज्जा मिलेगा। ये हो गया। अभी इसके ऊपर आपको, और इस कटोरी के अंदर ये ध्यान रखिए कि इस कटोरी के अंदर पानी होना चाहिए। अभी ये पिज्जा इसके ऊपर रख दिया। इस पिज्जा को रखने के बाद गैस को, एकदम बड़ा वाला गैस लेना है आपको, और उसको एकदम ही फास्ट गैस पे रखना है। देखिए मैंने गैस चालू कर दिया। देखिए गैस चालू हो चुका है। और फिर उसके बाद इसको ढक के रखना है। तो ढक के रखने के लिए हम इसके अंदर ये उसी प्लेट को इसके ऊपर इसको ढक के रख देना है। प्लेट हमारी इसके ऊपर नहीं आ रही, तो इसके बजाय हम दूसरी बड़ी प्लेट लेंगे। इसको एकदम अच्छे से आपको कवर करना है, देखिए ऐसे। और फिर इसको तेज गैस पे छोड़ दीजिए और उसको हर 5 मिनट में चेक कीजिए। अभी से पकाते पकाते हमें 17 मिनट हो चुके हैं। देखते अभी इसकी हालत कैसी है। अरे वाह, चीज एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुका है, रेड हार्ड हो चुकी है। अब इसका टाइम आ चुका है निकलने का। चलिए इसे बड़े ध्यान से निकालिए। सबसे पहले गैस बंद कर दीजिए। ये मैंने गैस बंद कर दिया। अभी इसको एकदम ध्यान से निकालिए क्योंकि ये बहुत गर्म होगा। ये मैंने इसको निकाल दिया। ध्यान से इसका ऊपर तो अच्छा है, हमने ऑलिव ऑयल इसके नीचे लगा दिया। गलती से भी प्लेट को अपने हाथों से छूना मत, आपको इतना गंदा चटका लगेगा ना कि आपके हाथ पूरा नम हो जाए। तो इसे एकदम ही सावधानी से निकाले बिना हाथ को छुए। ये मैंने निकाल दिया एकदम सावधानी से। अभी आपको इसका बेस देखना है। ये बेस, इसका भी ज्यादा पक्का नहीं है, एकदम परफेक्ट कर सकते हैं इसे। और अभी इसको डेकोरेट करने के लिए आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स, आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। इसकी खुशबू एकदम एकदम सही आ रही है, कितना टेस्टी हो गई है। मैं तो इसको फटाफट चट करने वाला हूँ। देखिए अभी हम इसको ब्रेक करके देखेंगे क्योंकि इसके अंदर का चीज़ मेल्ट हुआ है कि नहीं। तो ये मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ और ये देखिए इसके अंदर का चीज़ इतना सही लग रहा है ये। तो ठीक है, मैं इसको एंजॉय करता हूँ खा के, आप भी इसको ज़रूर बनाना। चलिए अलविदा लेता हूँ, अगली बार आऊँगा नई और इससे अच्छी रेसिपी लेके। मेरे मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वो घंटी का बटन दबाना कभी ना भूलना, क्योंकि उससे फिर आपको मेरे सारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। ये कितना डिलीशियस लग रहा है, वाह, मैं तो अभी इसको ख़त्म कर दूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, थैंक यू। इतना सही लग रहा है ये देखिए अभी इसके अंदर से चीज़, वाह लाजवाब।